और खबर भिलाई के देव बलोदा से है, जहां पर इंजेक्शन से एक मासूम की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि देव बलोदा में 10 माह के शिवांश वर्मा के परिजनों ने सर्दी जुकाम होने पर सिर सागेट भिलाई 3 स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया। मासूम के दादा महेश वर्मा ने बताया है कि वहां बच्चे की तबीयत ठीक हो रही थी, मंगलवार तक छुट्टी करवाने पर विचार कर रही थी। इस बीच बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई, बच्चे की मौत भी हुई है। अब CMHO यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर दी है। बच्चे के पिता ने बताया है कि शिवांश को इंजेक्शन लगाया गया है, जो कि 10 माह के बच्चे के लिए ओवरडोज होता है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम की अब प्राथमिकी रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही अब तक FIR दर्ज की गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह पूरा मामला एक षड्यंत्र का है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ हुए हृदय विदारक घटना की जानकारी अब सबको मिल चुकी होगी। अस्पताल ने मेरे बच्चे के साथ गलत किया है। मासूम के परिजनों ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। सिद्धिविनायक अस्पताल भिलाई में है, उसकी एक शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी। तो उस अस्पताल में एक बच्चा जो है उसको इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई, यह खबर सामने आ रही थी। मैंने तुरंत संज्ञान में लेकर के ही मैंने एक जांच टीम गठित कर दी है, जिसमें एक जिला चिकित्सालय के पीडियाट्रिशियन है और एक हमारे नर्सिंग होम के प्रभारी है। ये दोनों के द्वारा मैंने टीम गठित करी है और इनसे मैंने रिपोर्ट बनवाई है। ये रिपोर्ट आने के बाद हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।